गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, ये पेपर में लगातार आता चला आ रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन का, लिखा है टू पॉइंट ए एंड बी इन अ प्लेन आर रिलेटेड सच दैट ओ ए इक्वल है ओ बी के, वेयर ओ इज अ फिक्स ओ इज अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन सो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये करना है, कह रहा है कि क्या है, एक प्लेन है और इस प्लेन में ओ जो है फिक्स पॉइंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और ध्यान दीजिए, इसमें टू पॉइंट है ए और बी, लेकिन ए और बी में क्या रिलेशन है? कहने का मतलब जितनी दूरी OA है उतनी दूरी OB है। मतलब अब यहां पर रिलेशन है OA और OB में क्या रिलेशन है, आप समझिए। OA रिलेशन है OB के साथ, क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन यही है कि OA जो है इक्वल है OB के, ये रिलेशन है दोनों में। OA और OB में क्या रिलेशन है? OA जो है वो इक्वल है किसके? OB में, OB के। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एज अ वन एलिमेंट हम इसको मानेंगे और सेकेंड एलिमेंट इसको हमने मान लिया OB को। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो जैसे कहा जाए कि भाई अब यहां पर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन लाना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन लाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? हमको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसिटिव प्रूफ करना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज हम अगर प्रूफ कर ले जाए, तो ये जो रिलेशन है जो यहां पर दिया है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। पासन में आ गई नहीं आ गया? यहां पर एक बात यहां पर समझिए, आपको सबसे पहले इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको यहां पर सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे नंबर वन, यहां सोल्यूशन लिख दीजिएगा और नंबर वन पे लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखेंगे आप? पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप यहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पहले लिखेंगे? लेट कर लीजिए, लेट ए इज लिखेंगे पॉइंट ए, लेट पॉइंट ए इज इन द प्लेन। मान लेता हूं कि एक पॉइंट जो है वो कहां पर है? प्लेन में है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? अब यहां पर हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट। क्या पता है भाई? पता ये है कि आपको क्या पता है? पता ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या, पहले ये जान ले पहले। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चा होता क्या है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। जब किसी भी एलिमेंट का खुद से क्या हो रिलेशन, जैसे ए का रिलेशन ए के साथ हो गया, बी का रिलेशन बी के साथ हो जाए, सी का रिलेशन सी के साथ हो जाए, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में अधिक चर्चाएं कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये निकल आया कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। मैंने आपको यहां पर बता भी दिया कि ए रिलेशन ए लिखा, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। उसी प्रकार से हमको यहां पर क्या, अगर मुझे इसको जो है रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ओ ए रिलेशन ओ ए। अगर हम ये दिखा ले जाए तो ये कैसा रिलेशन बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यार यहां पर क्या, बी नो दैट, हमको पता है कि ओ ए जो है इक्वल है ओ बी के, क्या है, इक्वल है ओबी के। लेकिन ये कब है, जब क्या दिया है, ओए जो है रिलेशन में है किसके, ओबी के। लेकिन यार हमको तो ओबी यहां पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, बी को क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो जब बी को ए बना दिया तो यहां भी ए बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि ओए इक्वल टू क्या होता है, ओए होता है, होता है नहीं होता है। अगर ओए इक्वल टू ओए होगा तो क्या आ जाएगा, ओए रिलेशन ओए प्रूफ हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? अगर ये चीज आ गया, देखिए इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखा, तब हमने चेंज किया इसको, नहीं तो आप सोचते कि भाई इसको कैसे अपने आप से, भाई इसको आपने लिख दिया कि आप कैसे जाने कि OA इक्वल टू OA ही लिखना था। तो मैं इसीलिए अपने मन से नहीं लिखा, पहले मैं क्वेश्चन को ही लिख दिया, लेकिन मुझे पता है भाई कैसे लिख दिया, पहले फिर से समझ लीजिए। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, क्या लिखा क्वेश्चन में, OA इक्वल टू OB लिखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पर रिलेशन आपका क्या बनेगा, OA रिलेशन OB बनता।
लेकिन हमारा ये क्या है, अगर हमको यहां पर तो भाई रिफ्लेक्सिव लाना है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर तो OA है लेकिन यहां पर OB है, अगर B की जगह A हो जाता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो जाता। तो जहां जहां B लिखा है वहां पर हमने क्या कर दिया, A कर दिया। तो ऊपर भी मैंने देखा यहां भी B लिखा था तो यहां भी मैंने A कर दिया। तो देखिए OA इज इक्वल टू OA, आगे नहीं है क्या, जो कि यहां पर ट्रू भी है, देखिए ट्रू है कि नहीं भाई। OA क्या OA के इक्वल नहीं होता क्या, 5-5 के इक्वल नहीं होता क्या, 4-4 के इक्वल नहीं होता क्या, होता है। इसलिए यहां पर हमने OA को OA के बराबर दिखा करके यहां पर OA और OA में रिलेशन दिखा दिया कि नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और उसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका आता नंबर टू पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अब यहां पर लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, लेट करना पड़ेगा, लेट पॉइंट्स ए एंड बी आर इन प्लेन। किसमें है, ये प्लेन में है, आपकी बार ए और बी को प्लेन में माना, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, अगर ए और बी प्लेन में है तो क्या होगा भाई, प्लेन में है तो ये तो गिवन में है कि ओ, देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर ये दोनों प्लेन में है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा ही वो तो कि नहीं। लेकिन अगर कभी भी आपके पास सिमेट्रिक आ जाए, कुछ ना करो, आप यहां पर जो गिवन दिया हो, गिवन तो हमने इसको बनाया ना, यहां पर क्या ओ ए रिलेशन ओ बी यहां पर कब है, जब ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है कि नहीं, तो पहले तो हमको गिवन ही लिख देना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर बताओ, ओ ए रिलेशन ओ बी कब, जब कौन ओ ए जो है इक्वल होगा ओ बी के। तो बच्चा देखिए इसका मतलब क्या है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, अगर यहां से मैं ओ बी को आगे कर दूं और इसको पीछे कर दूं तो क्या आपस में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जैसे अगर कोई चीज लिखा, जैसे 5 जो है 5 इक्वल होता ही है, अगर इस 5 को इधर लिख दें और इस 5 को उधर कर दें तब भी तो 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा कि कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा ना। तो यहां पर देखिए जो OA है उतनी वैल्यू OB की है, तो अगर OB को पहले कर दें और OA को बाद में कर दें तब भी तो वैल्यू वही रहेगा, बस केवल इतना ही फर्क आएगा। जैसे यहां पर OA पहले था तो यहां पर मैंने OA लिखा, OB बाद में था तो यहां पर OB बाद में लिखा, उसी प्रकार से हमारे में अब की बार क्या है, OB पहले आ गया और OA बाद में आ गया, तो पहले OB लिखा, रिलेशन OA लिख दिया। अब यही तो हमारा क्या है बताइए, इसी को हम क्या कहेंगे बताइए, फटाफट बताइए। अगर ये प्रूव हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गई, नहीं आ गया। तो देखिए मैंने क्या क्या प्रूव कर लिया, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया और सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अब इसके बाद किसका नंबर है, ट्रांसटिव का, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसटिव के बारे में। यहां थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ट्रांसटिव, कौन सा आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट करेंगे, लेट ए काम बी काम सी आर इन प्लेन। मान लें कि ये क्या है, एबीसी की बात प्लेन में आ गए। अच्छा एक बात देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताते चले आए हैं कि भाई देखिए हमने ये बोला था आपसे कि जो है, जैसे यहां पर देखिए मैंने ये कहा था, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, और ये मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये ट्रांसटिव कब होगा, जब ए का रिलेशन बी के साथ हो जाए और बी का रिलेशन सी के साथ हो जाए, और ये हम प्रूव कर ले जाए कि ए का रिलेशन बी सी के साथ है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसटिव में जाता है, ये तो हमने बताया था आपको। लेकिन यहां पर ए की जगह तो ओ ए लिखा हमने है, तो ओ ए जो है रिलेशन में आ जाएगा, बी की जगह हमने क्या लिखा है, ओ बी लिखा है कि नहीं, एंड फिर बी आ गया, फिर ओ बी लिखेंगे रिलेशन, अब किसी आ गया तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे, देखिए सी की वैल्यू यहां पर नहीं था तो हम यहां पर मान लेंगे कि एक पॉइंट यहां पर और भी है, सी भी है, ठीक।
ठीक है। तो आप समझिएगा हमारी बात, अगर देखिए हमको क्या यहां पर प्रूव करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि OA जो है रिलेशन OB और OB रिलेशन OC में है, इतना गिवन में दिखाएंगे। और दिखाने के बाद अगर हम ये प्रूव कर ले जाए कि OA जो है रिलेशन में है किसके, OC के, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो मैंने बताया ट्रांसिटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया है कि ट्रांसिटिव के लिए आपको करना क्या होता है, आपको जो है रूल से लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। क्या लेना होता है, रूल से लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल में लेफ्ट हैंड साइड कौन है बताइए, ध्यान दीजिएगा, आपका रूल में लेफ्ट हैंड साइड है OA रिलेशन, OA रिलेशन OB एंड OB रिलेशन OC, ठीक है, यही तो है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, OA रिलेशन OB का मतलब क्या है, ये तो गिवन में था, क्या था, OA इक्वल टू OB कि नहीं भाई, इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और अगर इसी तरह मैं इसकी बात करूं तो जिस प्रकार हमने कहा कि OA जो है OB, OA और OB में रिलेशन क्या है, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह अगर OB और OC के रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो OB इक्वल होगा किससे, OC के। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, OA किसके इक्वल है, OB के, OB किसके इक्वल है, OC के। जैसे तीन, जैसे मान लीजिए तीन आदमी हैं, जैसे इसी तरह तीन कलम हो, पहला कलम दूसरे कलम के इक्वल है, दूसरा कलम तीसरे कलम के इक्वल हो, तो पहला वाला लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा क्या आपस में, वो भी तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, OA जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक OC के, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए OA जो है OC के इक्वल हो गया, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे OA पहले था तो यहां पर OA पहले लिखा गया, OB बाद में था तो यहां OB बाद में लिखा गया, और इस प्रकार रिलेशन बन गया OA रिलेशन OB। इसी प्रकार यहां पर भी अगर करें, OA पहले है तो OA पहले लिख देंगे, और रिलेशन OC बाद में तो यहां पर OC बाद में लिख देंगे। तो देखिए OA रिलेशन OC आ गया। तो देखिए हम जो चीज यहां प्रूव करना चाहते थे प्रूव हो गया, नहीं हो गया, यही तो हमारा क्या होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, R is a transitive relation, ये हमारा क्या है, transitive relation है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, यहां पर हमने जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों रिलेशन आपको दिखा दिए कि किस प्रकार ये जो है प्रूव हुआ, ठीक है। अब आप देखिए जब तीनों हो गए, यहां पर लिखोगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, आर इज एन इक्वी वैलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन, इधर मिटा देता हूं ठीक है, ताकि आप समझ सको ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अरे भाई ऐसे भी समझ लो, जैसे ए और बी, इसकी दूरी मान लेता हूं कि 5 5 है, तभी तो बराबर हुआ। अगर सी एक पॉइंट और ले लिया मैं, हैं, जैसे इसके इक्वल OA के इक्वल OB है, इसी तरह जैसे OB के इक्वल OC कर दे, तो अगर OB 5 है तो ये भी 5 होगा। तो अगर मैं बात करूं OA और OC के, तो ये भी तो 5 5 है, तो इसका मतलब OA और OC भी तो आपस में इक्वल होगा कि नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाते हैं वो आप तक सीधा पहुंचे। धन्यवाद।